देखो एक हमारा ये फूल है और एक हमारा ये फूल खिला है और एक इधर खिला है, तो सुंदर लग रहा है। और आज लाल वाला गुड़हल भी खिला है और इधर एक इधर खिला है, एक इधर वाइट है और एक ये ऑरेंज है डबल डेकर। जा 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 कर दे कंप्लेन, जा कर दे, जा कर के जा, तेरे को समझ नहीं आ रहा आवाज कहाँ से आ रही है, जा कर दे कंप्लेन। इतनी इतनी तेजी से चल के आया था ना, उसका आना ही नहीं आपके पास। पापा बुला रहे हैं। मैं रहता हूँ, कहाँ जाना तेरे को, इधर देख किसी ने कुछ खिलाफ ला दिया, बोला पापा के चमचा नहीं बनना। ये देखो नवाब लिटरली वेट कर रहा है कि कालू करके हटेगा फिर मैं करूंगा, मतलब कुछ भी भाई, लोग इनका कुछ भी है। पलटन आ गई है घूमने साथ में, रात में आई हूँ इनको वॉकी वॉकी लेके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को, मैं आई हूँ नाबू को वॉकी वॉकी कराने और थैंकफुली मुझे आज फीवर फील नहीं हुआ, तो सबसे पहला काम है मेरा कि मैं नाबू को वॉक कराने आऊँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं नाबू को वॉक कराने जाऊँ। और नाबू इतना एक्साइटेड था जब उसे पता चला कि मम्मा जा रही है वॉक कराने। सारी पलटन आई है साथ में, क्योंकि रोहन ऑलमोस्ट घर का बाहर का सारा काम संभाल रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे पड़े पड़े देखती रहती हूँ। लेकिन वो मजबूरी हो जाती है, पता है मुझे 103 बुखार हो गया था और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और लेकिन मतलब फीवर नहीं है अभी, लेकिन घुटनों में दर्द है बहुत ज़्यादा अभी भी और वीकनेस बहुत फील हो रही है। और अगर आज फिर से अगर फीवर आता है तो फिर मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगी। देखो कितना फ़र्क होता है ना, अगर मेरे किसी भी स्ट्रीट डॉग को या किसी भी बच्चे को कुछ हो जाता है ना, मैं किसी अननोन को भी देखती हूँ तो एकदम फटाफट हॉस्पिटल क्लिनिक के भागती हूँ उसे। और जब अपने आप को कुछ होता है ना तो बंदा डिले करता था कि ठीक है कल करा लेंगे, परसों हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे ही काम चला लेते हैं। ये देखो पूरी पलटन कितने महीनों से सोना ढूंढ रही है लेकिन बेचारों को सोना मिल के ही नहीं दे रहा, आज भी लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें, दिहाड़ी तो अपनी पूरी करनी है ना सबको। मम्मी क्या, जब मिंटी जा सकती है चिंटू तू नहीं जा सकता, तू तो पतला इससे है, तुझे भी जाना है। देखिए सर ये वो चिंगारी है जो सभी को लगती है, चिंटू अंदर है अभी गोली बोलू, ये देख ये गए सब तारों के पार, मतलब ये चिंगारी ऐसी है जो बूझ नहीं सकती। डेजी डेजी अच्छी है, ये नहीं आती कालू के चक्कर में, ये दोनों पागल है, ये देख। तो गाइज ये खांसने के बाद सुन लो, उसके बाद में इधर देख लो, ये लगा रहे हैं आटा और मैंने इन्हें बोला, मैंने ना कुछ ऐसा बोला कि मतलब हिमशु को लग गया, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, मैंने इन्हें बोला। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं गांव में था तो मैंने ना तीनों दिन और तीन तीन गिलास एक एक दिन में लस्सी पी, यानी कि मैं काफी ज्यादा लस्सी पी गया। तो मैं बोला हिमशु से कल नॉर्मली कि यार जब मैं गाँव में होता हूँ तो मैं इतनी लस्सी पी लेता हूँ, क्योंकि गाँव में माँ है और जब मैं यहाँ आता हूँ और लस्सी यहाँ भी होती है लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, ऐसा क्यों? यहाँ पे बीवी तो है। मैंने कहा कि मतलब मम्मी ना ऐसे बस बोलो कि लस्सी है क्या, हाँ, तो वो करके दे देती है, हाथ में पकड़ा के देती है। अब हुआ क्या, हिमशु ने सुबह सुबह लस्सी बनाई मेरे लिए मम्मी क्या डालती है, ऐसे डालती धुमार देती है, अब धुमार ना तुम समझते हो क्या होता है। तो हिमशु ने क्या किया, ये निकल के नहीं रहा, निकलेगा, मैं दिखाता हूँ, देखो देखो दिए हैं चलते दिए जल उठते हैं। तो हिमशु दिया जला कर डाला, तुमने बोला था मेरे को, लेकिन मेरे को लग रहा है इसका टेस्ट कुछ तो अलग हो गया है, तो मैंने पूछा हिमशु क्या किया तुमने, तुमने बोला दिया डालना है, इसमें जला के मैंने डाल दिया, मेरे को लगा कि मैंने क्या दिया, फिर मैंने जब यार बंदा कह रहा है टेस्ट कुछ अलग हो गया है, कल से नहीं डालूंगी इसको। इसको पता क्या देख रही है,
इसको देख रही है, हमारे घर में मेहमान वाली दाल बनी है। गाइस किस किस के घर में मेहमान वाली दाल बोला जाता है इसे बताओ मेरे को। मेहमान आने वाले हैं क्या? पिचको पिचको अब नहीं करेगा वो। गुड्डा लेके नहीं जा रही मम्मा? अरे जाती हूँ भाई। मत, नहीं, नहीं, नहीं। ये सेना बाहर खड़ी वाली है। गोलू कहाँ जा रहे हो? गोलू बोलू कहाँ जा रहे हो? सरे सरकार के साथ जा रहे हैं। ये देखो आज तक किसका जूता बलि चढ़ा है भाई, कसम से इन लड़कों ने मेरी ना इतनी नाक में दम कर रखा है। एक जूता चप्पल किसी का भी उठा के ले आते हैं और हमारे घर के दरवाजे पे ला के रख देते हैं कि ये हमारा घर है, आ जाओ इनसे लड़ लो और ये लड़ लेंगे तुमसे, ये हमें हमारा डिफेंस कर लेंगे। मिंटे देखो 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 देखो, भी आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है तो खाना भी बनाया, खाया भी घर का खाना भाई कसम से। बाहर का खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बाहर का तो मैंने सिर्फ पास्ता ही खाया, अदरवाइज तो रोहन बना रहे थे मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी। बंदे की ऐसे रेल बनी हुई थी ना कसम से, मेरे को इतना बुरा भी लग रहा था कि मैं ऐसे फेस्टिवल टाइम पे बीमार पड़ी हूँ। तो अभी जो हमारी मेड थी ना, हमने कल बताया था कि वो मिसिंग है, उसकी मम्मी मिले मुझे रास्ते में। मैंने उनसे पूछा कि कुछ पता चला सपना का, तो उन्होंने बताया कि मिल तो गई है लेकिन पुलिस स्टेशन में है, पुलिस वाले उसको मतलब दे नहीं रहे हैं। उनका कहना यही था कि वो दे नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है ना पूछताछ चल रही होगी और मे बी मेडिकल होना होगा, तो उनकी भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उसको घर पे वापस करेंगे। बाकी मतलब मुझे सुन के ये अच्छा लगा कि लड़की सेफ है और मतलब जिंदा है। मुझे तो कहीं मतलब यही डर लग रहा था कि कहीं उसके सामने कुछ मिस हैपनिंग ना हो गई हो। कालू क्या हुआ? कालू गया नहीं बेटा यहाँ से? ये यहाँ पे ना देखो ऐसे वो लगा दिए इन्होंने बैरियर से, तो इससे ना कांटों में से निकल नहीं। हाँ बोलो चला जा मेरा बच्चा, चला जा चला जा, शाबाश। अब दूसरी जगह ढूंढेंगे। आज है भाई दूज, तो नाबू को जिस जिसने भी राखी भेजी थी उन सभी को हैप्पी भाई दूज, क्योंकि भाई दूज इज लाइक इक्वल रक्षाबंधन ना, तो नाबू की तरफ से मैं सभी को विश कर रही हूँ हैप्पी भाई दूज। क्या हुआ, हम लोग यहाँ से जैसे हमने यू टर्न लिया ना, तो सामने वो कुछ बच्चे हैं, चार बच्चे हैं ठीक है, वो ऐसे खड़े हुए थे कि आ जा बेटा तेरे को हम बताते हैं। अब बताओ ये जो नाबू की पलटन है कहीं दिख रही है आप लोगों को? इनका कोई कोई क्या फायदा है मुझे बताओ आने का? वो देखो हमारे कालू जी, कालू तेरे होते हुए देख दूसरे मोहल्ले के डॉग आ गए नवाब से लड़ने के लिए, कोई मतलब नहीं है। ये देखो आज जब से मैच स्टार्ट हुआ है ना हम यही बैठे हैं, कुछ भी ब्लॉग ही नहीं बन पाए क्योंकि हम लोग यहाँ से हिले ही नहीं। गाइस वो आज का दिन ऐसा ही है, सही में क्या खेला है विराट ने। मैच देख रहे थे इतनी तेज आवाज हुई बड़बड़ बड़बड़ बड़ लगा कि पता नहीं क्या हो गया, और अभी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि नवाब इतना तेज गया भाग के, और शायद इसलिए कि बिल्ली थी। क्या चल रहा है, क्या हुआ, कहाँ है? बिल्ली जा चुकी है। अच्छा बिल्ली थी क्या? हाँ। तुमने देखी? बिल्ली के पीछे जाएगा और क्या होगा, इतना तेज कैसे गया ये? अपने घर आओ। तो विस्की ने बोला था, विस्की भौंक रही थी, वो जब भी देखती है ना मुझे तो भौंक देती है। ये आ गया बदतमीज इसके पीछे पीछे। ओए मिल गई, मिल गई तेरे को बिल्ली, हैं कैसे आया था तू? तो वो जा रही थी कहां से गई थी ऐसे पिछवाड़ा देव कैसे लग रहा है? मिल गई, मिल जाएगी ऐसे, ऐसे बिल्ला मिल जाएगा तेरे को। हाँ। ऐसे मिल जाएगा तेरे को बिल्ला, इधर आ। क्यों गया था? क्यों गया था तू? अब देखना अंदर जाएगा। हैं क्यों गया था तू? अब डरेगा देखो, इसको लग रहा है गल गल विश्को बिल्ली था। हैं बिलोटा आ गया तो घर में, घर में बिलोटा आ गया था विश्को। हाँ विश्को पीछे पीछे भाग लिया। हाँ मिल गई तेरे को बिल्ली। ओ हाँ क्या देखने गया था, क्या देखने गया था तू? लग रहा है तुम्हें जीते ही हारेगी।
अगर हार जाती है तो सारा श्रेय तुम्हें जाता है। जीत गए हैं। हाँ जी, बस फाइनल में नहीं जीतते हम, फाइनल तक तो पहुंच जाते हैं। आप जो घर में लगातार सपोर्ट दे रहे हैं क्रिकेट के घर स्टार नेटवर्क पर, हम सबकी जीत है। पूरे भारत वर्ष में आज जश्न का माहौल है बच्ची जी, बिल्कुल क्यों ना हो, जिस तरीके की क्रिकेट। चलो बधाई हो जी आपको। ये देखो मैं बैठी हुई अपने गुड्डू के साथ में, मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। ओ तेरी, इसने मेरे को, ये देखो इसने मेरे को ना अपने पैर मारे हैं, पता है, पैरों से पीछे किए है। ये छोभी तो सबको होना चाहिए। नाबू के ब्लड टेस्ट हुए थे, जो ब्लड सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट एकदम ठीक है। और कल होना है नाबू का ऑपरेशन, मतलब कि सर्जरी। तो कल के लिए ना हम लोग बहुत थोड़े डरे हुए हैं। ओले 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 ओले। तो जब से सर ने बोला है ना, डॉक्टर ने बोला है कि कल करते हैं, तो तब से ना मैं और रोहन थोड़े से डरे हुए हैं। डर तो लगेगा ना, ऑब्वियसली यार बच्चे का ऑपरेशन होना है, थोड़े से सहमे हुए हैं। बस कल का दिन अच्छे से निकल जाए, नवाब की सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाए। आप लोग भी प्रे करना और मिलते हैं कल नए दिन के साथ में। आज के लिए शुभरात्रि। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो।